पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। और ये अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दे। आते हैं मच्छी पे, आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे उधर वाले बता, इसमें बुरा क्या है, हवा के चार झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना, इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। ये पहली बार की माननीय सदस्य सुना आप? जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका प्रश्न। आप बीच में मत टोकना उनको और सलामत देना, आप पीछे सीट पे चल जाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी लीडर ममता बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। और ये संदेश सर, ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, बोलो बोलो सर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया आपके माध्यम से। मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे, बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा सर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की। माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर, मामाटी मानुष इज द मैग्ना कार्टा
of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I've been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mahamati Manush of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को अपनी फसल को माँ की तरह पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं. बट डज दिस मेजर सेक्टर गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? सर, इंडियन एग्रीकल्चर सप्लाइज अराउंड 58% ऑफ इंडियाज लाइवलीहुड एंड इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अकाउंटिंग फॉर 17-18% ऑफ द कंट्रीज GDP. 70% ऑफ इंडियाज रूरल पुअर depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? Iska jawab agar aap desh ke kisan se puchenge to wo aapko yahi baat bolenge ki chai se shuru hui thi sarkar aur gaay pe atak gayi aur vikas ki mausi 10 saal mein raste mein bhatak gayi. Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years, it is a 9-year high. Sir, kisan khud kya khayenge? Apne parivar ke logo ka khilayenge? Apni gaay bhais bher bakri ko kya khilayenge? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहाँ गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय भेड़ बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं. सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की. NCERB की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं. सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह. सर, ये बहुत गौरक्षा की भी बातें करते हैं. देश के लोगों को ये पता होना चाहिए दैट देयर इज अ फॉर्डर क्राइसिस इन इंडिया एंड द यूनियन मिनिस्टर हैज हिमसेल्फ स्टेटेड इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा दैट येस द कंट्री इज डेफिसिट इन फॉर्डर. सो इट मीन्स दैट काउज आर डाइंग विदाउट फूड इन गवर्नमेंट ओन्ड गौशालाज स्पेशली द BJP रूल स्टेट. 74,000 cattle had died at Panjra Poles in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. So, sir, pehle khana hi nahi mila, fodder crisis. फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉर्डर इन्फ्लेशन. और सर, खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी. उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? द पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट विच स्टेटेड दैट 32.7 lakh कैटल वेर इन्फेक्टेड बाई द वायरल लंपी स्किन डिजीज अक्रॉस सेवरल स्टेट्स एंड अ वोपिंग 2.4 lakh कैटल डाइड विद इन मंथ्स. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है. अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर एक है, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑलमोस्ट 24.46% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. बट सिंस द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इट हैज सक्सेसफुली टर्न द कंट्री फ्रॉम बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क टू एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per liter in 2014. And now rupees 56 per liter in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per liter. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. Aam aadmi ke doodh, chhach, lassi, dahi, paneer par 5% ki GST. क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST. सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्कशेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं. ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है. सर, बचपन से
हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक सेकंड इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों के किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता। मिड डे मील के चलते हफ्ते में अगर एक आध अंडा मिल भी रहा था तो कहीं धर्म के नाम पे तो कहीं महंगाई के चलते उसे बंद करने की मांग उठ रही है। सर मोर देन 50% चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 सफर फ्रॉम क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन इन द कंट्री एंड रफली 17% चिल्ड्रन आर अंडरवेट एंड येट मोस्ट बीजेपी रूल स्टेट्स डू नॉट सर्व एग्स इन मिड डे मील स्कीम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोषण काल इन इंडिया। सर अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट 2.8 करोड़ फिशर फोक आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन कैचिंग फिश इन द कंट्री एंड मिलियंस आर एम्प्लॉयड इन द वैल्यू चेन ऑफ सेलिंग फिश एंड एक्वाकल्चर। इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 8% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड रैंक सेकेंड इन एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। द पीएम टॉक्स अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन but this government has allocated only 0.045% funds out of the total budget for the flagship scheme Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana. Even after this meager allocation they did not utilize 39% of the funds and in 23-24 they did not utilize 24% of the funds allocated. Aur sir bhale hi sarkar ko Manipur shabd se allergy ho but the fact remains that 1.5 years of lack of governance in the state has led to endangering of the fish species in India's largest freshwater body in Manipur, the Loktak Lake. So the government has to generate employment opportunities, investment in areas such as exports, post-harvest processing, and import substitution. It has to deal with adversities like overfishing, depleting of fish stocks, pollution, disease outbreak, destruction of habitat, and climate change. So my own parliamentary constituency has assembly constituencies like Baruipur, Shonarpur, Bhangor, which are heavily dependent on these sectors for livelihood. Main crops grown are wheat, rice, vegetable, fruit, oilseed, pulses, cotton and jute, and animal husbandry is practiced mostly by women in the self-help groups in the South Chobish Porgona. They rear wide range of domestic animals including cattle, poultry, goat, particularly the Black Bengal goat and the Peking duck, and I take extreme pride in saying that in the last 5 years of the TMC government, the CM Mamata Banerjee has allocated a massive amount of 76,680 crore to agriculture and its allied sectors for their development. The government of West Bengal has achieved remarkable success in implementation of state schemes, namely Bangla Dairy. The state-owned company is providing financial incentive at the rate rupees 11.5 per litre of raw milk directly to the bank accounts of primary dairy farmers through milk unions. Bangla Dairy procured 3.55 crore kg milk in 2023, for which rupees 109 crore was paid to dairy farmers through direct benefit transfer. 47,900 fresh Kisan cards have been issued in the last 3 years for animal husbandry. Up to 30th November 2023, rupees 393 crore was sanctioned to marginal animal rearers in the rural areas. Bangla Shosho Bima Scheme, a fully state-funded scheme for crop insurance. Total 1.28 crore farmers were enrolled under the scheme during 23-24. 70 lakh farmers got claim settlement worth rupees 247 crore. 76,049 farmers are getting pension amounting to rupees 1,000 per month under Joy Bangla scheme. Sufal Bangla scheme was introduced in 2014 for ensuring remunerative prices for agricultural produce, integrating about 80,000 farmers and procuring about 100 metric tons of perishables daily. The annual turnover of this project is now rupees 106 crore. 77 new stores have been opened in financial year 23-24. 186 Krishak Bajars, sub-market yards are running successfully, providing excellent marketing infrastructure for aggregation and ease of marketing. And to be mentioned that West Bengal is one of the largest cold storage capacities in the country at more than 87 lakh metric ton with 620 cold storages. New investment of rupees 239 crore is upcoming in this sector this year with an employment opportunity for nearly 20,000 people. अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है, हवा के चार झोंके
अगर इधर से भी गुजर जाए तो। Now coming to the demands of pending funds from the government of India to West Bengal on animal husbandry and welfare. 50% of the central share, rupees 12.72 crore for financial year 23-24, being the recurring expenditure for mobile veterinary units, is pending with the government of India. Government of West Bengal requested for sanctioning an additional 126 MVUs for 24-25. However, it was regretted, citing want of funds. The proposed central share of 49.93 crore for financial year 24-25 for assistance to states for control of animal disease has not yet been released by the Government of India. Despite repeated persuasion, Department of Animal Husbandry and Dairying has not released the central share of rupees 10 crore for financial year 24-25 for various ongoing National Livestock Mission schemes, including the project for the establishment of Buck Semen Station in Horinghatta. ये तो बस इसी मिनिस्ट्री से बकाया है बंगाल का, अभी दूसरी मिनिस्ट्री प्रक्रिया तो पता नहीं कहाँ पे जाके ये खत्म होने वाला है। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है, शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना, इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।